आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, किरण जाधव हैं और सिमी भौमिक हैं। एजिक सिटी 17 अंकों की बढ़त के साथ 9177 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आज आपको बता देते हैं जी बिजनेस का एजेंडा। बड़े नतीजों का दिन आज, एसीसी और एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आएंगे मंडे को बाजार बंद होने के बाद। लेकिन तीनों ही नतीजों से पहले समझिए कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं और रणनीति भी समझिए। सरकारी बैंकिंग शेयरों पर आज एक स्पेशल शो जी बिजनेस करेगा, उस पर हम आपको बताएंगे कि कौन से सरकारी बैंक बेहतर हैं। लेकिन छोटी आईटी कंपनी वर्सेस बड़ी आईटी कंपनी, इंफोसिस टीसीएस के नंबर्स आप देख चुके हैं, मास्टेक माइंट्री के नंबर्स देख चुके हैं, मौका कहाँ है, क्या छोटे आईटी शेयर्स बड़ा मुनाफा आपको दिला सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी आपके साथ शेयर करेंगे। सरकारी बैंकिंग शेयरों पर एक स्पेशल शो जहां पर हम समझेंगे कि अब सरकारी बैंकों में डेबिट का नहीं बल्कि क्रेडिट का मौका है, यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज कहां हैं, इस पर कुछ बड़े जानकार हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट में हलचल काफी तेज हुई है क्योंकि कमोडिटी से जुड़े तमाम सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, फिर चाहे वो एविएशन हो, टायर हो, शुगर हो। ट्रेडिंग के मौके, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगेन यहां पर हम आपको रेकमेंड करेंगे। और साथ ही मीट और अंडे से जुड़े शेयरों में आखिर कब तक रहेगी तेजी, कौन से शेयर्स हैं जो यहां से और चल सकते हैं, तो ये स्पेशल कवरेज जी बिजनेस पर आज दिन भर देखेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको हम बताएंगे। एसिक्स निफ्टी अभी करीब 18.5 अंक ऊपर 9178 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, खबरों वाले शेयर्स की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को देख लेते हैं। 25 अप्रैल को कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें फंड जुटाने पर विचार हो सकता है, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर बात करने की वजह यह भी है कि जो तमाम रियल्टी शेयर्स हैं वो बजट के बाद से ही कांस्टेंट चल रहे हैं। और आज एक रेरा का भी न्यूज फ्लो है जो थोड़ी देर पहले डिम्पी भी जिक्र कर रहे थे। किरण, दो रियल्टी शेयर्स जिन पर आज आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे। ब्रिगेड की बात आपने जो की, उसमें भी एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन 234 लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो मेरा मानना है कि ये इसका टारगेट करीबन 246-248 तक जाने की संभावना बनती है।